नमस्कार, कृष्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वाइट कोरमा। अगर हमारी सब्जी कटी हुई है तो हम बहुत जल्दी इसे बना लेंगे। इसे बनाना बहुत इजी है और बिल्कुल सिंपल वे में हम आपके लिए वाइट कोरमे की रेसिपी लेके आए हैं और झटपट से बनने वाली और एकदम रिचनेस ग्रेवी वाली रेसिपी है ये। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जी को कट कर लेना है। हमने पनीर को भी क्यूब्स में कट कर लिया है। हमने 9 तरीके की सब्जी ली है, जिसमें हमने गोभी ली है, गाजर ली है, थोड़ा सा मटर लिए हैं, बीन्स ली हैं, साथ ही हमने आलू लिए हैं। इन सब्जियों को चाहे तो आप बॉयल कर लें। हमने इसको थोड़ा सा घी डाल के फ्राई किया है और स्वाद अनुसार जितनी हमने सब्जी ली है उस हिसाब से हमने नमक ले लेना है और इसको ऑलमोस्ट कुक कर लेना। आप चाहो तो इसमें उबाल के भी डाल सकते हो आलू वगैरह। हम फ्राई कर रहे हैं। सब्जियों को चलाते रहें, नहीं तो इनको नीचे लगने का खतरा रहता है। इसको चलाते रहें और लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको अच्छे से कुक होने में। थोड़ा सा इनको प्रेस करके देख लें कि कुक हुई है कि नहीं कुक हुई है। आलू कुक हो जाए तो समझ लो कि कुक हो चुकी हैं। अब इसमें मटर डालेंगे, क्योंकि मटर हमारा बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए अब हम इसमें मटर डालेंगे। देखिए हमारी सब्जी हमने 80% कुक कर ली है और प्रेस कर रहे हैं तो ये कुक भी हो रही है अच्छे से। अब हम इसमें ढक देंगे। खड़ा मसाला बताएंगे आपको। एक जावित्री फूल लेना है, एक तेज पत्ता लेना है, काली मिर्च लेनी है, इलायची पाउडर लेना है। हम पाउडर ले रहे हैं, आप साबुत लेके भी इनको कूट सकते हैं। देखिए एक तरफ हमारी सब्जी है जो कुक हो चुकी है। अब हम तड़का तैयार करेंगे। आप चाहो तो बटर में लगा सकते हो, बट हमने थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी ऐड किया है। अब जो जो हमने खड़ा मसाला लिया था, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची पाउडर और तेज पत्ता, सब इसमें डाल देना है। ये हमने काली मिर्च डाली है, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। अब जब ये हल्का सा कलर चेंज हो जाए, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें से जो साथ ही हमने हरी मिर्च डाल दी है कट करके, 2 हरी मिर्च हमने ली है। और जो हमने ये सब्जी बनाई है ये 4 लोगों के लिए इनफ है, मतलब 4 मेंबर्स के लिए मैंने बनाई है। अब ये हमने काजू का और दही का पेस्ट बनाया था। काजू को थोड़ी देर पहले हमने भिगो दिया था गर्म पानी में और दही के साथ उसको पीस लिया है। अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। इससे सब्जी में रिचनेस आती है। आप चाहो तो ये ऑप्शन स्किप भी कर सकते हो। आपने पीली और लाल कलर की सब्जी तो खाई होगी, वाइट कलर की सब्जी भी खाई होगी, लेकिन आप घर पे ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। देखे जो ऑयल है वो अलग से छूट रहा है, तो समझ लो मसाले कुक हो गए। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ग्रेवी के हिसाब से। अब हमने इसमें 1 चम्मच मलाई डाली है। आप चाहो तो फ्रेश क्रीम ले सकते हो और मलाई भी ले सकते हो, और इसको पूरी तरह ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि खाना आपका है, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहें इसको और कुक होने दे। देखिए हमारी ग्रेवी ने ऑयल को अलग कर दिया है। अब इसमें एक टमाटर काट के डालेंगे हम, उसका बीज नहीं डालने हमें, क्योंकि टमाटर इसमें कोई डालता नहीं है, लेकिन हमने डाले हैं। अलग से ही दिखते हैं तो अलग कलरफुल लगता है थोड़ा, इसीलिए। अब आपको लगे कि थोड़े से टमाटर कुक हो चुके, सॉफ्ट हो चुके हैं, फिर इसमें पनीर ऐड कर दें ताकि जो ग्रेवी का मसाला वो पनीर तक चला जाए। हमने फ्रेश पनीर लिया है इसलिए हम ऐसे ही डाल रहे हैं। अगर आपने फ्रेश पनीर नहीं है तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर ले सब्जियों के साथ ही।
अब इसको एक उफान आने तक भून लें अच्छे से, थोड़ा सा पानी ऐड करके। अगर आपको अफगानी पनीर की रेसिपी देखनी है उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं। एक बिगिन डाइट है वो, अगर आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी वीडियो के एंड में। देखिए जो हमारा वाइट कोरमा है वो तैयार हो गया, बिल्कुल बिल्कुल टेस्टी था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब।